चलिए आज एक माँ आई है अपने बेटे का घर बचाने के लिए और एक तरह से डांट फटकार भी कर रही है, गुस्से में भी है, तो क्या बताएंगे पूरे सीन के बारे में? हाँ, मैं कुणाल को अब पता चल चुका है कि मौली प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद वो एक बहुत ही विचित्र रिएक्शन के साथ घर से गया। एक तो सवाल ही बहुत ही किया उसने, आर यू श्योर? मेरा बस चलता मैं खींच के चपाट मार देती उसको। खैर, तो ऑब्वियसली ये जो माँ है राधिका कुणाल की माँ, वो बहुत ही गुस्से में है और उसने तय कर लिया है कि अब कुणाल को वो वापस लेकर आएगी अपने पोते के लिए, वापस पोता या पोती व्हाटएवर, मतलब इस घर का वंश है, उसके लिए वापस उसके बाप को लेकर आएगी। और आई है नंदिनी के घर में तो पूरी सफाई कर रही है उसकी। इतने दिनों का जो गुबार है अंदर, वो इस सीन में निकल रहा है जहाँ पे उसने नंदिनी को जाने क्या क्या कह दिया, बहुत कुछ कह दिया एक तमीज़ के दायरे में रह के। एक्चुअली वो तमीज़ नहीं छोड़ेगी, लेकिन हाँ, उसको उसकी जगह ज़रूर दिखाएगी। अच्छा, नंदिनी ने जो आप कुणाल को उसके घर में ढूंढ रही थी, नंदिनी ने कहा कुणाल यहाँ पे नहीं है, वो प्रेगनेंसी के बाद सुन के चला गया है। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो कुणाल सब कुछ भूल के एक बार फिर से मौली के पास आ जाएगा ये खबर सुन के, या फिर क्या? देखो भाई, ये कहानी है जो कि हमारे ऑडियंसिस की पसंद नापसंद के हिसाब से उसको तोड़ा मरोड़ा छेड़ा जाता है। जो स्टोरी लाइन लेके हम चले थे, शायद वो स्टोरी लाइन तो अब बची ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसके तहत कहानी क्या बनती है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बेटा मेरा है, बहू हमारी सही है, तो बेटे को आना चाहिए वापस, यही हमारी कोशिश है। और जो बच्चा आने वाला है उसको अपना बाप मिलना चाहिए, बाप का प्यार मिलना चाहिए, वो एक आदर्श पिता मिलना चाहिए जिसको बच्चा वो फॉलो करे, यही होता है ना नॉर्मली। हाँ, तो ये होना चाहिए। अच्छा, लास्टली बीइंग अ मदर, कुणाल की माँ होने के नाते और उसका घर फिर से एक बार जोड़ने के नाते, और किस तरह से कोशिश करें कि आज आपने एक बहुत खुद को कंट्रोल रख के आज आप इसके घर पर आ गए और पूरा उबार निकाल दिया है, तो आगे किस तरह की कोशिश आप अपनी जारी रखेंगे? चूँकि अभी उसने तो बोल दिया कुणाल लौट गया है, बट स्टिल फितरत होती है लोगों की। हाँ, मतलब हम मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा इतना सीधा है। वही बोल रही, फितरत होती है। तो कमरे में बंद करके छोड़ दूंगी, पड़ा रहे, सड़ता रहे। अगर मैं एक्चुअल माँ होती तो मैं ये करती शायद। नॉर्मली लड़कियों को बंद किया जाता है, मैं तो लड़का बंद कर दूँ। थैंक यू।